इसी पर मैं वंदना मैम का भी विचार जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, दहेज प्रथा पे शबनम जी ने और हमारी बहन जी ने बहुत अच्छा बोला है कि दहेज प्रथा किस प्रकार से थी। देखिए, मेरा सोचना है कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति है जिसके कारण हमारी बच्चियां इस समाज में आने से वंचित हो रही हैं। तो मैं तो इसको इस रूप में देखती हूँ कि दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है भारत में कि कई कुरीतियों का हम लोगों ने अंत कर दिया, लेकिन दहेज प्रथा दिनों दिन एक ड्रैगन के रूप में बढ़ती जा रही है। आज प्रतिष्ठा का स्वरूप हो गया है हर एक प्रथा के लिए कि अगर उसकी बेटी होगी तो उसकी शादी करनी होगी, उसकी शादी के लिए उसको दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारी बच्चियों पे हो रहा है और उनको जन्म से पहले ही मारा जा रहा है। तो मैं तो दहेज प्रथा को एक बहुत बड़ी कुरीति के रूप में सामने देखती हूँ जो हमारी बच्चियों के लिए एक अभिशाप के तरह सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बताई आपने कि वाकई में जो दहेज